हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरेना आर्ट एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कुछ स्टडीज़ होती हैं एक पेंटिंग को स्टार्ट करने से पहले, ताकि वो पेंटिंग और भी अट्रैक्टिव लगे और उसकी कॉम्पोजिशन और भी बेटर लगे। तो एक थंबनेल स्टडीज़ होती हैं जो हम पेंटिंग से पहले करते हैं। इसमें ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 30 मिनट लगता है। और इससे पहले कि आप अपनी पेंटिंग में पूरा टाइम इन्वेस्ट करो, उससे पहले ही अगर आप ये थंबनेल स्टडी कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे वैल्यू की ग्रुपिंग करनी है, कौन सा वैल्यू कैसा रखना है। प्लस आपको कॉम्पोजिशन अगर आप बदलना चाहो तो भी बदल सकते हो। तो आप देख सकते हो अपनी पेंटिंग को बनाने से पहले कि पेंटिंग बनने के बाद कैसी लगनी चाहिए, तो आप पहले से उसको कंट्रोल करके चल सकते हो। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है एक पेंटिंग को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा आई कैचिंग बनाने के लिए। जब भी हम नेचर से कुछ चीज़ बना रहे होते हैं या फ़ोटो यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम उसको कॉपी करने लगते हैं। तो कॉपी करने से पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि क्या क्या सारी चीज़ें जो हम बदल सकते हैं, क्या अगर इसको हम बदल दें तो क्या वो और ज़्यादा बेटर हो सकता है क्या। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए हम छोटी छोटी थंबनेल स्टडीज़ करते हैं। और उसको कैसे करते हैं और क्या दिमाग में रखना चाहिए, मैं यहाँ पर लैंडस्केप को मेन अपना टॉपिक रख के इस वीडियो को मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आप ये जो रूल है, आप उसको लैंडस्केप हो या पोर्ट्रेट हो या स्टिल लाइफ हो, जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आप सब्जेक्ट मैटर जो भी है, आप उसको उसमें अप्लाई कर सकते हो। बट मैं आपको लैंडस्केप का एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप भी पेंटिंग करने से पहले ये स्टडी कर पाएँ, ताकि आपका जो एंड रिजल्ट है वो बेटर हो सके, वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सके। सो विदाउट एनी फर्दर डू गाइज, चलते हैं अपने स्टूडियो में और आगे कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो स्टूडियो जाने से पहले आइए एक नज़र आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आर्ट कॉलेजेस में भी थंबनेल की स्टडीज़ पहले बताई जाती हैं बिफोर स्टार्टिंग एनी पेंटिंग। यहाँ पे केदार नायक सर, जो एक वाटर कलर आर्टिस्ट हैं और फैकल्टी हैं सुंदरगढ़ आर्ट कॉलेज में, ये भी एक स्टिल लाइफ की स्टडी कर रहे हैं, बट पेंटिंग बनाने से पहले ये थंबनेल स्टडी कर रहे हैं। ये यहाँ ब्लैक कलर की इंक यूज़ कर रहे हैं, बट यू कैन यूज़ पेंसिल, चारकोल और एनीथिंग। ये ब्लैक एंड वाइट में स्टडीज़ होती है, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ वर्क्स हैं केदार सर ने जो डिस्प्ले किया हुआ है, काफ़ी अच्छा इन्होंने कॉम्पोजिशन सेट किया हुआ है, काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने स्टडी किया है, कितना डेप्थ ऑफ फील्ड इनके वर्क्स में नज़र आता है। तो ये सब करने से पहले वो थंबनेल की स्टडी ज़रूर करते हैं ताकि उनका वर्क बहुत अच्छा लग सके। और ये पहला जो थंबनेल स्टडी है, उन्होंने दिखाया है कि डार्क बैकग्राउंड और अपने सब्जेक्ट मैटर को लाइट रखा है ताकि वो अच्छे से उभर के बाहर आ सके। सेकंड वाले में सब्जेक्ट मैटर को थोड़ा और डिटेल दिया है और अपने शेडोज़ को थोड़ा डार्क किया है। थर्ड वाले में सब्जेक्ट मैटर को ही सिर्फ डार्क करके दिखाया है कि सिर्फ हम बाकी एरिया को लाइट छोड़ सकते हैं सब्जेक्ट मैटर को उभारने के लिए। अब इस लैंडस्केप को देखते हैं, अगर इसे हमें थंबनेल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे हम करेंगे। सबसे पहले ये पास वाले एरिया को एक वैल्यू दे देंगे, तो ये एक वैल्यू हो गया इस एरिया के लिए। तो हमें सिंप्लीफाई करना होता है, इसलिए हम सिर्फ एक एक वैल्यू देंगे, पहाड़ को एक वैल्यू, स्काई को एक वैल्यू और दूर वाले पहाड़ को एक वैल्यू, ठीक है। अब सेकंड लैंडस्केप को देखते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, बट इसमें हर चीज़ को डिटेल बना दिया गया है, तो इसको अच्छे से अब देखते हैं। अब इसको वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई तरीके में कन्वर्ट करेंगे। और आपको आर्टिस्ट की नज़रिए से देखना है, आपको कम से कम चीज़ों को देखना है, बहुत ओवरऑल आपको देखना है, इतनी सारी डिटेल्स आपको नहीं देखनी है। डिटेल्स हर किसी को नज़र आती है, बट आपको डिटेल्स को इग्नोर करना है। और देखिए, मैं पहाड़ को एक शेड दिया, स्काई को एक शेड दिया। अब ये दूर वाले जो ट्रीज़ हैं उसको मैंने एक शेड दिया, उसको थोड़ा लाइट करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहे हैं इस फोटो में। आपको फ़ोटो को कॉपी नहीं करना है, बट आपको दिमाग में रखना है कि दूर की चीज़ें लाइट होते जाती हैं। और ये पास की ट्री मैंने डार्क की, और पास आए तो उसको और डार्क। तो इसको जो मैंने यहाँ पर कलर लगा रहा हूँ उसको सिर्फ एक शेड समझिए। तो आपको कुछ 4 या 5 शेड में पूरा थंबनेल स्केच को कवर करना है, बिल्कुल डिटेल नहीं देने। कुछ मिनट्स के अंदर आपको स्केच करना होता है, एक छोटा सा स्केच, तो सिंपल करना है। तो ये आपको, ये जो ऊपर फोटो दिख रही है, आपको इस तरीके से इसको देखना है, डिटेल्स बिल्कुल भी नहीं देखनी है। तो देख रहे हो आप, ब्लैक एंड वाइट में मैंने कन्वर्ट किया फ़ोटो को। आपको देख कलरफुल फ़ोटो रहे हो, बट आपको सोचना ब्लैक एंड वाइट में है, आपको सोचना है कि ब्लैक एंड वाइट में कैसे इसकी शेड आनी चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने ग्रुपिंग किया रफली, वैसे ही हमें बैकग्राउंड के जो माउंटेन है उसको लाइट रखना है, उसके आगे वाले ट्रीज़ को थोड़ा डार्क,
और जो जितने पास आते जा रहे हैं ट्रीज उसको डार्क करते जाना है। हम फोटो को ज़रूर देख रहे हैं बट हम जो स्केच करेंगे उसको करेंगे हम अपने रूल्स के हिसाब से, जो हम डेप्थ चाहते हैं अपने वर्क में उसके हिसाब से हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रफली ड्राइंग किया है, पहाड़ को सिर्फ एक शेड दिया सिंपल, कोई डिटेल नहीं, यहाँ पे कोई डिटेल नहीं। आपको ये नहीं देखना है कि मेरी स्केच सुंदर दिखनी चाहिए, यहाँ पे हम सुंदर बना ही नहीं रहे, हम सुंदरता के पीछे नहीं है, यहाँ पे डिटेलिंग वर्क नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए है, ये आप किसी और को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो थंबनेल स्टडी, ठीक है? ये समझ के आपको करना है कि आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, आप ये खुद को समझाने के लिए कर रहे हो। तो जितना सिंपल हो सके उतना बेटर है, बिल्कुल भी डिटेल देने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि डिटेल देने जाओगे तो आप प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं है थंबनेल स्टडी का। थंबनेल स्टडी का मतलब ही यही है कि आप जितना सिंपल कर सको और जितना 3 या 4 वैल्यू में ही आप अपनी जो पूरी ड्राइंग है उसको सिंपल तरीके में उसको कन्वर्ट कर सको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने पहाड़ को एक शेड दिया, उसके आगे वाले ग्रास को सबको एक शेड दिया, ज़मीन को, ज़मीन जो आगे में है उसको एक शेड दिया, जो आगे में रिवर है उसको एक शेड दिया। तो ये एक 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 शेड दे रहा हूँ मैं हर एक चीज़ को, कोई डिटेल नहीं, कोई चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं बनानी है। अगर यहाँ पे मुझे एक ट्री बनाना है और उसको डार्क दिखाना है तो बस यहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेजर पार्ट प्ले करेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें को हमें हटाना है, ये पत्थर, ये पानी की लहरें, हर चीज़ को हमें स्किप करना है, कुछ चीज़ नहीं बनानी है, बस उस जगह में क्या शेड है, डार्क है या लाइट है, पानी है तो डार्क है या लाइट है, पहाड़ है तो डार्क है या लाइट है, बस इतना हमें देखना है इस थंबनेल स्टडी में। एक थंबनेल स्टडी में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेगा, अगर बहुत ज़्यादा 15 या 20 मिनट लग रहा है आपको बनाने में, या आधा घंटा आपको एक थंबनेल स्टडी में लग रहा है, तो समझ जाइए कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल कर रहे हो या बहुत ज़्यादा उस स्टडी को अच्छा या सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो 5 से 6 मिनट, मुश्किल से 6 मिनट लगेगा एक थंबनेल स्टडी को, और ये बहुत छोटा सा आपको बनाना है। मैंने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर का ये बॉक्स बनाया है, 6 ठो, तो मैं यहाँ 6 बॉक्स में 6 अलग अलग टाइप के थंबनेल स्टडी करने वाला हूँ, और एक को करने में करीब 5 मिनट मुझे लगेगा मैक्सिमम। तो 6 ठो स्टडी करने में आधे घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है? हो सकता है आपको एक आध मिनट एक्स्ट्रा लग जाए शुरू में, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग स्टेज है, हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ये दिखा रहा हूँ कि हमारा जो लाइटेस्ट पार्ट है वो स्काई है, तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल शेड नहीं किया, और सबसे डार्क वाला पार्ट यहाँ फ्रंट में रिवर में है, तो यहाँ पे डार्केस्ट पार्ट है ये, ठीक है? जहाँ पे एकदम एकदम लाइट दिखाना है आपको, वहाँ पे आप पेपर छोड़ दो, वहाँ पे शेड ही बिल्कुल मत करो, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये सबसे लाइट एरिया रखना है। और जब आप पेंटिंग करो तो हो सकता है वो लाइट एरिया स्काई ब्लू हो, अगर स्काई ब्लू आपका स्काई एकदम लाइट ब्लू कलर का है आपका स्काई, तो बाकी जो चीज़ें होंगी वो उस लाइट ब्लू से थोड़ी डार्क ही होंगी, ठीक है? यहाँ पे मैंने वाइट छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वाइट ही करना है अपनी पेंटिंग में कलर, ठीक है? थोड़ा सा समझ के इन चीज़ों को करिएगा, और इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि एक आध डाउट अगर आपके मन में रह भी जाए तो वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ऐसा ना हो कि आपने थोड़ा बहुत जाना, आपने स्किप किया और कुछ चीज़ें छूट गई, और फिर आप गलत तरीके से स्टडी कर रहे हो। तो पहले पूरा चीज़ समझ जाओ, ताकि आप स्टडी जो भी प्रैक्टिस करो वो सही डायरेक्शन में करो, ठीक है? अब ये सेकेंड वाले में मैं सिंपल, देखिए आप मेरा ड्राइंग करने का तरीका देखिए, कितना रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने 2-4 लाइन ही खींची है बस अपना बनाने के लिए, जो मेरा सीन है उसको दिखाने के लिए। और यहाँ पे मैं डार्क कैसे कर रहा हूँ, एकदम रफली, नो ब्लेंडिंग, कोई भी ब्लेंडिंग चीज़ का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ब्लेंडिंग स्टम्प या किसी चीज़ का, कोई स्मूद नहीं कर रहा हूँ, कोई सुंदर बनाने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस रफली मैं डार्क या लाइट कर रहा हूँ। जहाँ मुझे डार्क करना है मैं डार्क कर रहा हूँ, जहाँ मुझे लाइट छोड़ना है वहाँ लाइट छोड़ रहा हूँ। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हेल्प करती है आपको ओवरऑल आइडिया लेने में, कि आपकी जो आपका जो वर्क है वो कैसा फील देगा। तो ये जब शेड्स करते हैं हम, तो हमें समझ आता है कि कहाँ पे कितना डार्क करना है और कब हमें अपने आप को कंट्रोल करना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने पहाड़ को एकदम लाइट शेड दिया अपनी थंबनेल स्टडी में, ठीक है? फिर मैंने देखा कि पहाड़ पे कुछ थोड़ी मोड़ी
थोड़े क्रैक्स हैं या फिर कहीं से पहाड़ टूटा फूटा कुछ टेक्सचर है या कुछ भी लाइन वगैरह मुझे पहाड़ में और बनानी है, हल्की फुल्की डिटेलिंग देनी है, तो ऐसा ना हो कि उस क्रैक को दिखाने के लिए मैं डार्क कलर का यूज़ कर दूँ और वो डार्क कलर जो आगे ट्रीज़ हैं और उससे भी आगे जो रिवर है वो सबसे मैच होने लगे। तो अगर ऐसा होता है तो हमें समझ आएगा कि हम जो हमारा लिमिट सेट किए थे उससे हम बाहर जा रहे हैं। हमने पहाड़ को लाइट दिखाया है, इसका मतलब ये कि अगर उसमें जो भी डिटेल हम अगर करते भी हैं थोड़ी मोड़ी, बहुत डिटेल तो नहीं करना है क्योंकि वो दूर में है तो उसको डिटेल नहीं देना है, बट अगर कुछ क्रैक्स वगैरह हम कुछ वेरिएशंस दिखा रहे हैं तो वो भी बहुत लाइट होंगी। भले ही हमें लगे कि थोड़ी डार्क करनी चाहिए, बट आपको ध्यान देना है कि आपका पहाड़ एकदम लाइट शेड का है, वो बहुत दूर में है, तो उसमें कुछ भी आप और चीज़ दिखा रहे हो तो वो भी लाइट सा ही बनेगा, ठीक है। और एक चीज़, आप कुछ चीज़ें इधर उधर करके देख सकते हो, जैसे कि ये ट्री, इसकी जो जगह है जहाँ पे ये फ़ोटो में दिया गया है, आप या तो वहीं बना सकते हो या फिर थोड़ा सा राइट या थोड़ा लेफ़्ट की तरफ इसको ड्रॉ करके देख सकते हो रफली, कि अगर इसको शिफ्ट किया जाए इधर उधर तो वो कैसा लगेगा। कुछ कॉम्पोजिशनल चेंजेस आप थोड़े मोड़े कर सकते हो। तो ये लास्ट 6th नंबर वाली मैं स्टडी कर रहा हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार 6 थंबनेल बनाओ, आप 3 या 4 में भी हो जाता है। कभी कभार बहुत ज़्यादा हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है तो हम 7 या 8 भी बना लेते हैं। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी स्टडी करना चाहते हो, कितने टाइप के शेड्स बना के देखने चाहते हो, कितना एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो। तो ज़रूरी नहीं आप 6 ही बनाओ, 3-4 में भी हो जाता है किसी किसी लैंडस्केप में, और 3-4 भी एनफ ही है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा, और 3-4 स्टडी करोगे तो 15 या 20 मिनट लगेगा। तो एक अच्छी खासी बड़ी पेंटिंग बनाने से पहले अगर आप 20 मिनट या आधा घंटा इन्वेस्ट करते हो इस थंबनेल स्टडी में, तो बहुत सारी चीज़ें आपको शुरू से ही क्लियर हो जाएंगी और आपको बाद में ये नहीं लगेगा कि ये ट्री को इधर पेंट करता तो ज़्यादा बेटर होता, आपको पहले से ही ये चीज़ें समझ में आएंगी। सपोज थंबनेल में मैंने स्काई को सबसे ज़्यादा लाइट रखा है और माउंटेन को थोड़ा सा डार्क रखा है, तो जब मैं पेंटिंग करूँगा तो अपने थंबनेल के ऊपर भी ध्यान रखूँगा कि मेरे थंबनेल के हिसाब से ऐसा शेड होना चाहिए। तो अगर मेरा स्काई थोड़ा सा डार्क दिख रहा है और माउंटेन के कंपैरिजन में लाइट नहीं दिख रहा, तो मैं उसे लाइट करूँगा। तो ऐसे थंबनेल को देख के आप कई सारी चीज़ें सही कर सकते हो अपनी पेंटिंग में। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 6 थंबनेल बनाए, और इस वाले में मैंने सबसे लाइट छोड़ा है स्काई को, और स्काई के अलावा जो भी चीज़ हैं उससे डार्क होते जाएंगी। पहाड़ सबसे दूर है ये दिखाने के लिए, इसको थोड़ा सा लाइट, फिर दूर वाला जो ग्रास है वो डार्क शेड का है हमारा, हमने जो फ़ोटो यूज़ किया उसमें सबसे डार्क शेड इन सब ग्रास वाले एरिया में दी गई है, तो ये डार्क शेड है बट ये दूर में है इसलिए इसको लाइट भी दिखाया है, ठीक है। और जैसे ये रिवर है तो ये बहुत पास है और इसमें शेडो भी आ रही है, तो इसको डार्क दिखाया है ताकि ये पास भी लगे। और ये जो सामने वाले ट्री है ये डार्क है दूर वाले ट्री से, तो ये सारी चीज़ें रफली बनाई है। तो इसमें आपको कुछ भी डिटेल नहीं देना है, आपको बस जल्दी जल्दी शेड करके एक आइडिया लेना है कि कैसा उसका लुक आ रहा होगा। इस सेकंड वाले थंबनेल में मैंने स्काई को थोड़ा सा डार्क किया है, मैं ये देख रहा था कि अगर स्काई डार्क होता, मान लीजिए कुछ अलग एटमोसफियर आपको देना है, और स्काई को इसलिए मैंने डार्क करने की कोशिश किया, लाइट किया है माउंटेन को जस्ट टू सी कि कैसा लुक आ रहा है ओवरऑल, और बाकी चीज़ें उसके कंपैरिजन में मैंने डार्क की है। ये दूर का जो एरिया है उसको थोड़ा सा लाइट छोड़ा है लैंड पार्ट को, और बाकी चीज़ें मैंने डार्क की हैं इस सेकंड वाले थंबनेल में। देन नेक्स्ट, इसमें मैंने क्लाउड थोड़ा सा ड्रॉ किया है स्काई एरिया में, जस्ट कि स्काई कैसा लगेगा अगर इसमें थोड़ा सा क्लाउड भी हो, बहुत प्लेन ना हो स्काई, तो वो कैसा लुक देता है। बाकी चीज़ें सेम रखी हैं। एक चीज़ नोटिस कीजिए कि मैंने बहुत ज़्यादा डार्क लाइट शिफ्ट नहीं किया है, मैंने इसको बहुत ज़्यादा डार्क, इसको बहुत ज़्यादा लाइट, एकदम ज़्यादा एक्सट्रीम चेंजेस नहीं किए, क्योंकि हमारी जो रेफरेंस इमेज है
हमें उसमें एक साइड से लाइट ऑलरेडी आ रही है, तो अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चेंजेस करेंगे तो हमें डिफ़िकल्टी होगी कि सही तरीके से हम लाइट को सही जगह पे कर पा रहे हैं या नहीं। तो बहुत ज़्यादा भी चेंज नहीं, लेकिन छोटी छोटी चेंजेस जो आपको हेल्प करेगी और ज़्यादा अपने ड्राइंग को समझने में कि इस तरीके से अगर बनाया जाए तो और ज़्यादा अच्छा लग सकता है क्या। तो इसलिए छोटी छोटी चेंजेस, जैसे यहाँ पे हल्का सा क्लाउड बना के देख लिया, थोड़ा लाइट छोड़ के देखा दूर के एरिया कैसा लुक आ रहा है, सामने वाली रिवर को डार्क ही रखा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 6 बॉक्स बनाए हैं, इसमें भी कुछ इस तरीके से किया है, आसमान को वाइट रखा है और इसे लाइट रखा है दूर वाले माउंटेन को, क्योंकि दूर में तो ऑब्वियसली वो लाइट ही रहेगा, इसमें थोड़ा सा डार्क करके मैंने देखा, इसमें थोड़ा लाइट, और इस वाले में मैंने मैक्सिमम चीज़ें लाइट रखी, दूर का जो ग्रास ये ट्रीज़ वगैरह जो दूर में है उसको और लाइट किया है, इन सब के कंपैरिजन में इसको और लाइट करके देखा है कि वो कैसा लुक दे रहा है। अगर ये एरिया हमारा फोकल पॉइंट है, फोकस यहाँ हम लोग को लाना है, इस एरिया में डिस्टेंस दिखाना है और फोकस इसमें लाना है, तो ज़रूरी है कि ये सब एरिया डल हों, फेड हों, और ये एरिया में कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा हो, डार्क और लाइट पास पास रहें, इससे क्या फोकल फोकस आता है उस जगह पर। तो यहाँ पे डार्क और मैंने लाइट पास पास रखा है ताकि फोकल पॉइंट ये एरिया रहे। तो इसको मैंने दिखाने के लिए यहाँ पे एक रफ ब्रिज, जो हमारा रेफरेंस इमेज में जो ब्रिज दिया है उस एरिया में फोकस लाने के लिए मैंने इस तरीके का यहाँ पे शेड किया है। एंड दिस वन, इसमें बहुत ज़्यादा डार्क मैंने यूज़ नहीं किया, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने कितने सारे डार्क शेड दिए हैं कॉन्ट्रास्ट लाने के लिए, बट इसमें रफ ओनली मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं दी जाए, अगर फेडेड एक सीन दिखा रहे हैं हम जहाँ बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है, तो वो कैसा लग सकता है, वो कैसा फील ले सकता है। तो इसको दिखाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा डार्क यूज़ नहीं किया, मैंने टेम्पी पेंसिल का यहाँ यूज़ ही नहीं किया, यहाँ बस रफली मैंने शेड किया हर जगह। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अलग अलग थंबनेल इमेज बना के आप ट्राई कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो माउंटेन भी है, यह माउंटेन थोड़ी राइट की तरफ है, राइट की तरफ है, बट इस वाले में मैंने माउंटेन को थोड़ा बीच में रख के देखा है कि वो कैसा लुक देता है। यहाँ पे नदी साइड की तरफ जा रही है बट यहाँ बीच के बीच में आ रही है, तो ये कैसा दिख रहा है, वो कैसा लुक दे रहा है, ये चीज़ें भी आप समझ सकते हो थंबनेल इमेज बना के। और इसके मुताबिक आप फिर जब पेंटिंग करोगे तो आप रेफरेंस इमेज का यूज़ करोगे कलर्स वगैरह शेड्स वगैरह देखने के लिए, बट आइडिया आपको मिलेगा अपनी थंबनेल इमेज को देख के। तो ये इमेज आपको एंड पेंटिंग के ख़त्म होते तक काम आएगी। आपने फोटो में देखा कि ये एरिया डार्क दिया हुआ है बट आपने थंबनेल में उसको लाइट बनाया है, सपोज आप इसको बना रहे हो और आपने देखा या फिर इसको बना रहे हो थंबनेल में लाइट बनाया हुआ है ये सब एरिया, तो आप फोटो को कॉपी करने के बजाय आपने इस थंबनेल इमेज को देख के आप सोचोगे कि इसको हमें लाइट ही रखना है, और अपने आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि जो चीज़ फ़ोटो में दिख रही है उसको फॉलो ना करते, फॉलो नहीं करके हम जो थंबनेल इमेज में हमने जो लुक बनाया है उसको लेकर चलें। तो मैंने रफली आइडिया दिया है, आप चाहें तो कुछ और ट्राई कर सकते हैं, और ज़्यादा बना सकते हैं, कम बना सकते हैं, थोड़ा सा ब्लेंड करके इसको आप चाहें तो देख सकते हैं कि और कैसा लुक आ रहा है। यहाँ तो मैंने रफली किया है, ज़्यादा ब्लेंडिंग वगैरह किया नहीं है, बट ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का लुक चाहते हैं। उस तरीके का लुक पहले आप इस छोटी सी थंबनेल इमेज को दीजिए, फिर उसके बाद आप उसको सोच के देखिए कि यही लुक अगर पेंटिंग में आएगा कलर होने के बाद तो वो कैसा फील देगा। ब्लैक एंड वाइट में अगर आपको समझ आ रहा है चीज़ें कि ये डार्क होनी चाहिए, ये लाइट होनी चाहिए, आपको डेप्थ समझ आ रही है ब्लैक एंड वाइट ये रफ स्केच में, तो आप वो आपको पेंटिंग में भी समझ आएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उस लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, उससे काफ़ी बूस्ट अप मिलता है वीडियो को। और इस थंबनेल स्टडी को आप ट्राई करके ज़रूर देखें। कोई भी एक इमेज आप ले लो, उसके बाद आप उसको ग्रुपिंग करो, जैसे मैंने बताया रफली आपको एक ड्राइंग करनी है, छोटे से ऐसे बॉक्स बना के रफली उसको ड्रॉ करना है, और जहाँ पे आपको जो शेड लग रहा है उसको रफली एक सिंपल शेड 4 या 5 वैल्यू या 3-4 वैल्यू के अंदर पूरे अपने वर्क को डिस्क्राइब करने की कोशिश करो। अगर आप लैंडस्केप से स्टार्ट करते हो तो बेटर रहेगा, इजी रहेगा, तो आप लैंडस्केप
का कोई फ़ोटो ले लो, या फिर इस वीडियो में मैंने जो लैंडस्केप दिखाया उसी को एक बार देख के जो जैसे मैंने थंबनेल किया उसी को कर लो, ताकि आपको स्टार्टिंग में गाइड मिल जाए। उसके बाद फिर आप खुद ब खुद किसी और इमेज के साथ ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो। तो अगर आप एक बार खुद कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप अपने आप ही स्टडी कर पाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को, आपका प्यार ज़रूर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एंड तब तक के लिए कीप मेकिंग आर्टवर्क, मिलते हैं अगली वीडियो में।